हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ हमारी इस पावर बीआई क्लास में। तो पावर बीआई में हम बात करेंगे आज कैलकुलेट टेबल एंड समराइज फॉर्मूले के बारे में। तो आपके सामने एक डेटा दिख रहा है, मुझे मान लीजिए इसकी समरी निकालनी है। तो जनरली तो बोलेंगे ठीक है, मैं यहाँ टेबल लगाऊंगा और इस टेबल के अंदर मैं अपने समरी निकाल लूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया और यहाँ पे मान लीजिए मुझे जनवरी के या टोटल चाहिए, हमने टोटल डाल दिया। बट प्रॉब्लम होती है कि मुझे इस पे और कैलकुलेशन करनी है, इसे मुझे इस पे इंसेंटिव देना है, मान लीजिए मुझे इस पे कुछ और चीज़ देना है, तो यहाँ पे नहीं दे सकता मैं। इसे मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक अलग टेबल बने ताकि उसके आगे हम कॉलम ऐड करके जो चीज़ें हैं वो चीज़ें दे सकें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसके लिए हम जाते हैं न्यू टेबल पे और सबसे पहले तो यहाँ टेबल वन के जगह पे टेबल का नाम देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया SUMR समरी के नाम से, और फिर मैं यहाँ पे क्रिएट टेबल का लगाऊंगा। क्रिएट टेबल के बाद मैं मुझे इसमें लगाना है समराइज का फॉर्मूला। समराइज के फॉर्मूले में मुझे अपना डेटा देना है और किसके अकॉर्डिंग समरी करना है, तो मैंने बोला कि नेम के अकॉर्डिंग समरी करना है, तो नेम को ले लिया। उसके बाद मुझे मुझे टोटल किसका करना है, तो क्वांटिटी का, तो मैंने यहाँ पे QTY क्वांटिटी एज यहाँ पे हमने सम, और सम के अंदर में सम के अंदर में हमने अपना दे लिया कि मुझे टोटल किसका करना है। मान लीजिए मुझे टोटल करना है टोटल का, और फिर हमने इसको क्लोज किया, समराइज को भी क्लोज किया। और कोई कंडीशंस है तो यहाँ पे हम कंडीशन से फिल्टर लगाना, आपको कोई नेम में पर्टिकुलर ये होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो फिलहाल हम इसको एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते ही आप देखिए आपके पास पूरा डेटा आ चुका है। अब मान लीजिए मुझे इसमें ब्लैंक नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कि लेन नेम इज ग्रेटर देन वन, एंटर प्रेस किए तो अब देखिए यहाँ से ब्लैंक आपका गायब हो गया। तो हमने यहाँ पे टोटल लिया। मान लीजिए मुझे इसमें और जो चीज़ें चाहिए, जैसे कि मुझे यहाँ पे समराइज के अंदर क्वांटिटी के बाद मान लीजिए मुझे सिटी भी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिटी इन बॉर्डर कॉमा में सिटी दिया और यहाँ पे कॉमा हमने बोला कि सिटी आना चाहिए। डेटा नेम दूसरा नहीं ले, एक्सप्रेशन टू नेम टू एंड एक्सप्रेशन टू। इसमें मान लीजिए मुझे सम ऑफ GST चाहिए, ये आ गया आपका GST। अच्छा, इसमें एक ब्रैकेट रह गया, एक ब्रैकेट लेना। तो देखिए ब्रैकेट का प्रॉब्लम होती है, अगर आपने ब्रैकेट सही ढंग से नहीं लगाया हुआ है तो दिक्कत हो जाता है।
आप रखेगा ना, तो इस तरह से चीज़ें ला सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कैलकुलेट टेबल और समराइज टेबल के समराइज फॉर्मूले के बारे में जाना। अब कैलकुलेट टेबल के साथ और भी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कीजिएगा। थैंक यू।